वेलकम है गाइज आपका एक और वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए वीडियो आज बहुत खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही हाई क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड वाली कंट्री के बारे में बात करने वाला हूँ, जो है हंगरी। ऑफ कोर्स दोस्तों हंगरी के अंदर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे किस तरह के वीज़े होते हैं, आपको किस तरह का वीज़ा मिलेगा। इन्फॉर्मेशन दोस्तों डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नहीं हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, किसी भाई के इन्फॉर्मेशन बहुत काम आ जाएगी। और अगर आपको हमारी कोई सर्विस या कंसल्टेशन कॉल मेरे से 1-to-1 बात करने के लिए बुक करनी हो तो नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो। तो हंगरी में दोस्तों दो तरह के, वैसे तो चार तरह के एम्प्लॉयमेंट परमिट्स होते हैं, तो हम जो मेनली बात करेंगे वो दो तरह के एम्प्लॉयमेंट परमिट्स पर बात करेंगे। पहला जो होगा सीजनल रेजिडेंस परमिट, ठीक है, जिसके अंदर आपका सीजनल वर्क इन्वॉल्व होता है। और दूसरा रेजिडेंस परमिट आपका जो होता है वो होता है प्रोफेशनल वर्कर के लिए, यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए, यानी कि जिसके पास में कोई एक फील्ड के अंदर बड़ी महारत हासिल है और उसको डायरेक्टली अगर कंपनी स्पॉन्सर करती है तो वो वाला वर्क परमिट, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे दोस्तों सीजनल वर्क परमिट के बारे में। सबसे पहले तो सीजनल वर्क परमिट होता क्या है, मैंने अपनी पहली भी वीडियोस में आपको बता रखा है कि सीजनल वर्क परमिट होता है सीजनल वर्क के लिए, लाइक एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन जॉब या फिर हेल्पर किसी फील्ड के अंदर, ठीक है, उसके लिए आपको जो है सीजनल वर्क परमिट ग्रांट किया जाता है। मिनिमम इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 9 महीने के लिए। अक्सर उसमें क्या होता है कि आपको, जैसे मान के चलो आपने जो है उसको अप्लाई किया है अगस्त में आपको अगर मान लो वीज़ा, सॉरी, अगर अगस्त में आपको वीज़ा मिल जाता है, उसका आपने अप्लाई पहले किया था, अगस्त में अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो वीज़ा आपको मिलेगा दिसंबर, उस साल के दिसंबर 31 तारीख तक, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट परमिट सीजनल जो होता है वो होता है 9 महीने का। अक्सर उसके अंदर आपको जो है, अगर मान लो अगस्त में आपने अप्लाई किया तो वो 9 महीने जो है आपके दिसंबर से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। सीजनल वर्क परमिट अप्लाई करना है तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप जनवरी या फरवरी के अंदर ही उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दें, साल के बीच में ना करें, क्योंकि उसमें आपको महीने कम मिलेंगे और बाद में हो सकता है कि एम्प्लॉयर आपका रिन्यू करे या ना करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ऑफ कोर्स। इसके अलावा दोस्तों दूसरे वर्क परमिट की बात करेंगे जो कि अक्सर होता है प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे कि आपके पास में कोई आईटी की फील्ड है या फिर आपके पास में कोई डॉक्टर की स्किल है, ठीक है, आपको डॉक्टरी में अगर आपको जानते हैं तो, ठीक है, जैसे कि आप डेंटिस्ट हैं या फिर अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, अगर आपको मेडिसिन के बारे में नॉलेज है, ठीक है, या फिर अगर आप कोई आईटी में अच्छे प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, ठीक है, या फिर आपके पास में कोई अलग स्किल है, टेक्निकल ट्रेड की स्किल है, तो मान के चलो आपको जो है वर्क परमिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो रेजिडेंस परमिट होता है ना, जनरली वो सबसे पहले 1 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन वो रिन्यू हो जाता है बाद में, क्योंकि आपको जब कंपनी इस चीज़ पर बुलाती है तो आपको एक तरह से परमानेंट जॉब ही मिलती है वो। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है। इनका प्रोसेसिंग टाइम भी जो है वो सेम ही है, सिमिलर आपको जो है 1 महीने के अंदर एम्बेसी जवाब दे देती है। यूजुअली देखो 15 दिन में आ जाना चाहिए, पर आजकल जो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पर दोस्तों मैं आपको इसमें ये बता देना चाहता हूँ कि हंगरी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है। देखो दोस्तों हंगरी के अंदर सबसे पहली बात यह है कि हंगरी एक बहुत ही शानदार कंट्री है। अगर आपने सुना हो तो बुडापेस्ट के बारे में, बुडापेस्ट आप चेक कर लेना, बहुत सारे भाइयों को पता भी होगा, कैपिटल है हंगरी की, और उसका जो लेवल है, ठीक है, बाकी कंट्रियों से, यानी कि जो जैसे कि क्रोशिया हो गया या फॉर एन एग्जांपल जो कंट्री में वर्क परमिट जो है मिल जाते हैं इजीली, ठीक है, रोमानिया वगैरह, बुल्गेरिया वगैरह, तो इनसे उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप जाओगे आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, बेटर मिलेगी, मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है, ठंडा मौसम रहता है, और इसके अलावा आपको जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, ठीक है, यानी कि रहने का जो है और सैलरी का जो आपका सारा बैलेंस हो जाएगा इजीली, बाकी कंट्रीज से कंपेयर करते हुए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि क्रोशिया अगर देखो तो क्रोशिया काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ठीक है। अगर आप रोमानिया की बात करो, रोमानिया भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और सिस्टम एक बैठ नहीं पाता है, आदमी जो वहाँ पे जाता है फिर वो वहाँ से निकलने की बात करता है। तो इसलिए आज मैं आपको ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरी देखना, इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। हंगरी का वर्क परमिट दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है एम्प्लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जो हंगरी में आपकी मदद कर सकते हैं। एजेंसीज़ की नीचे लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जाके एजेंसी से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आपको पता ही है, नीचे आप कंसल्टेशन कॉल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। सर्विसेज़ के लिए, इस तरह की वर्क परमिट की सर्विस के लिए मुझसे कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है आपने, और उसके बाद में मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको किस तरह से और कौन सा वर्क परमिट आपके लिए सूटेबल रहेगा आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। तो खैर दोस्तों, जब आपने वहाँ पर प्रोसेस जाके कंप्लीट कर लिया तो पहले आपने जाके जॉब अप्लाई करनी है। जॉब अप्लाई करने के बाद में आपका जो एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट करेगा, एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट करेगा आपको ईमेल में, आपको लिंक भेजेगा, आपकी स्काइप की मीटिंग होगी, स्काइप का मीटिंग आपका सक्सेसफुली अगर हो जाता है तो उसके बाद में आपको हंगेरियन एम्प्लॉयर वहाँ से आपको जो है मिनिस्ट्री से अप्रूव करके आपको वर्क परमिट और डॉक्यूमेंट्स, जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह गारंटी लेटर के साथ में आपको इंडिया में कुरियर करेगा।
जब आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है उसमें कम से कम भी 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी कि एक्सपायर होने से पहले उसके 6 महीने एटलीस्ट होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 1 साल का कम से कम उसमें आपका टाइम पीरियड होना चाहिए एक्सपायर होने से पहले। तो दोस्तों आपको चाहिए होगी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, आपको अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा जिसकी कवरेज एटलीस्ट 30,000 यूरो की होनी चाहिए, और आपको एक शेंगेन वीज़ा का फॉर्म पूरा फिलअप करना पड़ेगा जिसके अंदर अगर आप सीजनल वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका फॉर्म जाएगा डी कैटेगरी का, ठीक है, जिसमें जनरली आप नेशनल वीज़ा का फॉर्म फिलअप करते हैं। इसके लिए मेक श्योर कि आपको पहले अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो। अपॉइंटमेंट आजकल मिल रही है तो आप चेक कर सकते हैं जाके VFS हंगरी की वेबसाइट के नीचे, मैं आपको लिंक डाल दूंगा। और ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दोस्तों इस टाइम आ रही है, क्योंकि इसके अंदर जो वीज़े हमारे पास में लग रहे हैं और वीज़े मैं देख रहा हूँ कि ठीक है इसका जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ कि हमारे पास भी वैकेंसीज जो अवेलेबल है ना, इसके अंदर हेल्पर्स और कुक्स की वैकेंसी जो है अवेलेबल है, जिसमें अगर आपकी जिसमें आप अगर हमारे साथ अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों जब आपके पास में इंश्योरेंस हो जाता है, इंश्योरेंस हो गया, आपका शेंगेन वीज़ा का फॉर्म फिलअप हो गया, फोटोग्राफ्स हो गई, आपके जो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको एम्प्लॉयर ने दिए हैं जिसमें आपका अकोमोडेशन का लेटर भी रहता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं VFS के अंदर सबमिट करने के अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपने सिंपली जो है डॉक्यूमेंट जमा कर देने, और 15 से 20 दिन के अंदर आपको एम्बेसी अक्सर अप्रूवल दे देती है, यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लग जाता है, एम्बेसी ने आपको अप्रूवल दे ही देना है, ठीक है, क्योंकि इसका जो सक्सेस रेट अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अप्लाई करो दोस्तों, वीज़ा इसके अंदर आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर आपको आगे क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। देखो दोस्तों क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि जो मेरे भाई फैमिली के साथ में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको हंगरी खुद जाना पड़ेगा, उसके बाद में वो फैमिली को बुला सकते हैं। आप फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी फैमिली जब ओपन वर्क परमिट पर हंगरी में आएगी तो वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज दोस्तों देखो हंगेरियन चलती है, और हंगेरियन लैंग्वेज आपको अगर हंगरी में रहना है तो थोड़ी बहुत सीखनी ही पड़ेगी। इंग्लिश ऐसा नहीं है, इंग्लिश सब बोलते हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अक्सर जो है इंग्लिश बोली ही जाती है, ऐसा तो इंग्लिश के बिना तो गुजारा है ही नहीं, आपको मालूम ही है। मान लो अगर हंगरी में अगर मान लो किसी और देश का गोरा आया है वो तो इंग्लिश में ही बात करेगा ना, तो इंग्लिश तो आती ही होती है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना प्रेफर नहीं करते, वो जो बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग होते हैं ना जो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि यार हमारी कंट्री है और ये हमारी ही लैंग्वेज बोलें अगर ये यहाँ पर रहना चाहते हैं तो अक्सर जो आदमी जो वहाँ पे रहता है ना तो वो ये कंसिडर करते हैं कि भाई उसको ये यहाँ पे रेजिडेंट है, ठीक है, तो इसको हमारी लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी, तो वो इसलिए जानबूझ के भी कभी कभी इंग्लिश नहीं बोलते। लेकिन कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो हंगरी की लैंग्वेज सीखना कोई आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली। बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर PR के ऑप्शन क्या हो सकते हैं आपके लिए। यार PR देखो हंगरी के अंदर ना इस टाइम पर जो है ना 5 साल वाला कार्ड बंद किया हुआ उन्होंने, यानी कि जो 5 साल का कार्ड मैं बोल रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि भाई आपको पहले 2 साल का 3 साल का कार्ड, ठीक है, वो मिलने के बाद में 5 साल का कार्ड मिलता था, लेकिन उन्होंने 5 साल का कार्ड जो है बंद कर दिया। तो अभी इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, हंगरी में काम करके, ठीक है, कुछ टाइम अपना गुजारा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कब पुर्तगाल दोबारा इमिग्रेशन ओपन करेगा या फिर आप वहाँ से किसी अच्छी कंट्री का वर्क परमिट लेके किसी अच्छी कंट्री मूव हो सकते हो, जैसे कि लग्जमबर्ग हो गया या फिर जर्मनी हो गया, ठीक है, डेनमार्क हो गया। तो मतलब आप जा, मैंने आपको प्रोसेस पूरा समझाया हुआ है, मैं आपको फिर भी एक बारी छोटी सी एक समरी दे देता हूँ कि आपको इनका वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए बहुत ही आसान तरीका क्या करना होगा अगर आप हंगरी में पहुँच जाते हैं। तब देखो दोस्तों हंगरी में पहुंचने के बाद में सबसे पहले तो आपको इन कंट्रीज़ में विज़िट करना पड़ेगा, जैसे कि फ़र्ज़ करो आपने विज़िट किया डेनमार्क में, विज़िट किया जर्मनी में, वहाँ पे जाने के बाद में आपको कोई एम्प्लॉयर ढूंढना है, एम्प्लॉयर ढूंढने के बाद में या तो किसी लॉयर से कंसल्ट कर सकते हो या फिर वहाँ पे आपको सबसे पहले आसान तरीका बताता हूँ, एक नंबर ले लो, ठीक है, सिम कार्ड ले लो एक वहाँ का लोकल, उसके बाद अपना CV बनाओ, CV बनाने के बाद में अपना उसका नंबर जो है उस कंट्री का नंबर जो है स्पेसिफिकली उस CV में डाल दो, फिर आप अप्लाई करो जॉब्स, ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करो आप डेनमार्क गए, डेनमार्क का आपने नंबर ले लिया और उसके बाद आपने एक CV बना के डेनमार्क के लोकल जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको आपने जो अपना CV है अपलोड करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों कि वो सोचेंगे कि आप डेनमार्क में हो, और ऑल अराउंड यूरोप जो है ना रोमिंग फ्री होती है, तो आप अगर हंगरी में हो, ठीक है, तो वो आपको कॉल ज़रूर करेगा क्योंकि उसको ये लगेगा कि आप डेनमार्क में हो। जब उसने कॉल की, चलो आपको चांस तो मिल जाएगा, इंटरव्यू आपका हो जाएगा, जब इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद में उसने आपने जो है बताना है कि भाई मैं जो है सर हंगरी के अंदर हूँ इस समय, और जब आप बोलेंगे तो मैं उस अकॉर्डिंग डेनमार्क शिफ्ट हो जाऊँगा, रिलोकेट कर लूँगा मेरी फैमिली के साथ में। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी उस टाइम पे। नहीं तो आप वेट कर सकते हैं कि अगर आपको पेपर ही चाहिए स्पेसिफिकली तो पुर्तगाल की इमिग्रेशन ओपन होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम, और जाहिर सी बात यह है कि पुर्तगाल इमिग्रेशन ज़रूर ओपन करेगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो इनको करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसके बिना इस कंट्री का जाहिर सी बात है गुजारा हो नहीं सकता।
कुछ दोस्तों मैं अपने रिसोर्सेज से निकाल कर क्या आप लोगों के लिए, मतलब हंगरी के अंदर सैलरी आपकी जो है कितनी हो सकती है। देखो दोस्तों बात करेंगे, मैं आपको ना थोड़ा सा प्रोफेशन के हिसाब से बताता हूँ कि सैलरी कितनी कितनी हो सकती है। अप्रॉक्सीमेटली इसी रेंज के अराउंड आपको सैलरी मिलेगी उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। बात करेंगे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप किसी कंपनी के अंदर अगर एडमिन लग जाते हैं, ठीक है, जैसे वो जनरल काम नहीं करते एडमिन, ठीक है, तो अगर आपको मान लो किसी भी तरह का कोई जनरल कोई वर्क है, ठीक है, तो आपको एडमिन की वहाँ पर कुर्सी बिठा दिया जाएगा और आपको वो करना होगा, तो उसकी सैलरी आपको मिलेगी दोस्तों 995 यूरोज़, अप्रॉक्सीमेटली 1000 यूरोज़ जो है आपकी सैलरी होगी। लेकिन हंगरी के अंदर दोस्तों उनकी अपनी करेंसी चलती है, यूरो नहीं चलता। मैं आपको सैलरी यूरोज़ में बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, यूरो का ओवरऑल करेंसी है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ चलो इतना बनता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्री की, यानी कि FMCG के अंदर आपकी सैलरी कितनी होगी। दोस्तों अक्सर इसके अंदर जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 870 यूरो, 870 यूरोज़ आपकी जो है इसके अंदर मिनिमम वेज होगी। कार इंडस्ट्री में बात करेंगे, कार इंडस्ट्री के अंदर जैसे आप मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, अगर आप जैसे डेंटर पेंटर हो या फिर किसी भी अगर आप पोस्ट पे हो, तो अप्रॉक्सीमेट सैलरी आपको जो है 1000 से लेके 1270 यूरो के बीच में मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर अप्लाई करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल जाएगी हंगरी के हिसाब से, और काफ़ी अच्छा आपका लिविंग स्टैंडर्ड बनेगा वहाँ पर। कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट की बात करेंगे दोस्तों, कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट के अंदर आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 1320 यूरो। देखो आप जितना मतलब आप देखो जितनी आपको स्किल आएगी, जितना आपको नॉलेज होगी, उस हिसाब से आपकी सैलरी फिर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 1320 यूरो के आसपास आपको जो सैलरी कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम में मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों लॉ के अंदर, किसी मेरे भाई ने अगर लॉ की डिग्री इंडिया में कर रखी है, ठीक है, LLB कर रखी है और उसके अंदर वो मतलब प्रैक्टिस करता है लॉ, ठीक है, तो ऑफकोर्स उसकी जो सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। हंगरी के अंदर उसकी सैलरी जो होती है वो होती है 1430 यूरो से लेके 1500 यूरो के बीच में, यानी कि 1430 यूरो से लेके 1500 यूरो के बीच में उसकी सैलरी ज़रूर मिलेगी उसको, ठीक है, हंगरी के अंदर, अगर वो डायरेक्टली वर्क परमिट पे लीगल तरीके से आता है तो। दोस्तों एजुकेशन के अंदर मान लो अगर आप टीचर वगैरह हो, ठीक है, तो उसके अंदर सैलरी थोड़ी कम है, 870 यूरो के अराउंड आपको सैलरी मिलेगी अगर आप टीचर हो, चाहे आप जूनियर या सीनियर टीचर हो, ठीक है, तो उसमें आपको सैलरी जो है 870 यूरो या 900 यूरो के आसपास जो आपको मिल जाएगी। जो मेरे भाई ट्रांसलेटर हैं, इंटरप्रेटर हैं, ठीक है, उनको भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिल सकती है, 1140 यूरो से लेके 1200 यूरो के बीच में उनकी सैलरी होगी, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं ज़रूर। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग मैंने जो है ना थोड़ा सा एक चार्ट सा बनाया था, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि हंगरी के अंदर आपको मिनिमम लिविंग कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लिविंग कॉस्ट भी यहाँ पर डिस्कस कर ली जाए सैलरी के हिसाब से, उसमें थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं खास तौर से ढूंढ के लेके आया हूँ, तो प्लीज़ इसको पूरा सा देखना, ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इससे। दोस्तों अगर आपकी सैलरी 800 से 1000 यूरो है ना, तो हंगरी में आप बड़े आराम से बसर कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों अपार्टमेंट की, अपार्टमेंट दोस्तों वन बेडरूम इन सिटी सेंटर आपको मिलेगा 335 यूरो के आसपास। दोस्तों अप्रॉक्सीमेट प्राइसेज हैं, तो आप जाके खुद भी जब आप चेक करेंगे ना, तो 1921 चीज़ हो सकती है, तो आपको पता लग जाएगा अपने आप, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ मोटा मोटा। दोस्तों आउटसाइड सिटी सेंटर लेंगे तो थोड़ा सा कम उसका प्राइस हो जाएगा, वन बेडरूम अपार्टमेंट आपको मिलेगा आउटसाइड सिटी सेंटर वो होगा आपका जो है 225 यूरो के आसपास, ठीक है, 225 यूरो से 250 यूरो के आसपास वो जा सकता है। तीन बेडरूम का अपार्टमेंट आपका सिटी सेंटर के अंदर पड़ेगा 575 यूरो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 575 यूरो। तीन बेडरूम अपार्टमेंट आपका आउटसाइड सिटी सेंटर थोड़ा सस्ता पड़ेगा 440 यूरो के आसपास। बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस की, ट्रांसपोर्टेशन आपको कितनी महंगी पड़ सकती है हंगरी के अंदर। दोस्तों वन वे टिकट है ना जो आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट की, जैसे कि आपकी ट्रैम व्रैम जो रोड पे चलती है, ठीक है, तो वो आपकी होगी 1 यूरो के आसपास, ठीक है। मंथली पास अगर आप बनवाएंगे वहाँ पे, तो मंथली पास आपका जो है ट्रेन बस वगैरह का पास बन जाता है, तो वो आपका अप्रॉक्सीमेटली बनेगा 25 से 26 यूरो के आसपास आपका जो है पास बनेगा मंथली। यूरोज़ में कॉस्ट बता रहा हूँ, लेकिन उनकी अपनी जो करेंसी है वो अलग है, ठीक है, तो यूरो में थोड़ा आपको आइडिया अच्छा बेटर लगेगा। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे वहाँ पर अगर आपने गाड़ी रखी है, 1 लीटर गैस की जो कीमत होगी, गैसोलीन, ठीक है, यानी कि पेट्रोल हम बोलते हैं, उसकी कीमत होगी आपकी 1 लीटर 1 यूरो 24 सेंट, ठीक है, ये करंट रेट नहीं है लेकिन ये आइडिया है, ठीक है। इसके अलावा आपका टैक्सी का जो नॉर्मल टैरिफ है वो स्टार्ट होगा 1 यूरो 90 सेंट से, ठीक है, 1 यूरो 90 सेंट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जब आप जाओगे तो इतना आपको आइडिया लग जाएगा। जनरली दोस्तों अगर आपका मान लो अपना अपार्टमेंट है ना, तो इसके अंदर आपका जो है 120 से 130 यूरो मान के चलो इसके अंदर आपका यूटिलिटीज यानी कि गैस बिजली पानी का आपका जो खर्चा आ जाएगा, इंटरनेट जो आप लेते हो, ठीक है, वाईफाई वगैरह जो आप लोगे, तो आपका 12-13 यूरो या 15 यूरो तक मैक्सिमम जो है आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि फाइबर लाइन हम बोलते हैं ना इंडिया में लगाते हैं, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कंपनीज लाइक वोडाफोन वगैरह, ठीक है, तो वो आपको प्लान्स मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स वोडाफोन का थोड़ा महंगा होगा, लेकिन
कोई आप अगर कंपनी पकड़ेंगे जिसका प्लान थोड़ा सा रीजनेबल होगा तो आपको 12 से 15 यूरो के बीच में आपको इजीली ये भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना, वीडियो किसी भाई के बहुत काम आएगी। हमारी कोई सर्विस चाहिए अगर आपको हंगरी वर्क परमिट के लिए, वैकेंसी अभी आ रखी है, वर्क परमिट्स आपको पहले इशू करेंगे, हम डील करते हैं कू ऑप कंपनी के साथ में, कू ऑप कंपनी है ठीक है, इसका टाइप हमारे साथ में, और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे कंसल्टेशन कॉल बुक कर लेना, उसके अंदर आपको जो है कंसल्टेशन में सारा कुछ गाइड कर दूंगा। प्लीज़ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो यार कॉल या मैसेज डायरेक्टली मत किया करो, क्योंकि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं यार हर एक के मैसेज का जवाब दूँ ठीक है। दुआ में याद रखना, थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ अगली कोई बढ़िया वीडियो के अंदर, बाय बाय।